बैकग्राउंड अच्छी आ रही है कि नहीं, ऐवें ही बस गुजार रही है। चल सो चल आई चलाई चले जी, ओके करें, निकल जा निकल जा निकल, दरवाजा बंद करो। कौन है सारा जी? ओन देख से बाबू साहब उठ के बैठे जी। तो फिर हम लोग मौजूद है ईद प्लस जश्न आजादी में, मैं हूँ मूसा खान और मेरे साथ हैं जी महनूर, हमारे साथ है प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की, आप देख रहे हैं बड़े जबरदस्त, हम लोग ईद प्लस जश्न आजादी का प्रोग्राम मना रहे हैं और हमारे साथ गेस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास हमारे पिछले गेस्ट मौजूद है ताबिंदा और डॉक्टर अजमल जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आए जी, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है? फिल्म के बारे में आप बात कर रहे थे तो मजे की बात है, हमें बताएं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो आना चाहिए नए लोगों को फिल्म की तरफ, आना चाहिए आपको, फिल्म होनी चाहिए उसके जी। फिल्म इंडस्ट्री जरूर ग्रो कर रही है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी टीवी ड्रामे बन रहे हैं जी। कराची से कुछ फिल्में अच्छी आई हैं और बड़ी खुशी की बात है, खुशाई बात है कि पब्लिक में देखने के लिए सिनेमा जा रही है, और सिनेमा में पब्लिक के आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की आवाम सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना चाहती है। मेरा भी बहुत दिल था कि हम फिल्म देखते लेकिन हम लोग मसरूफ ही थे, लेकिन हाँ, जाहिर है शोज से फ्री होंगे हम भी जाएंगे, आप देखेंगे, फ्री होकर देखें फिल्में और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज। डॉक्टर साहब आपने कोई फिल्म देखी क्या? नहीं अभी तक नहीं देख सका, आपको पता है कि थिएटर में अभी दो दो शो चल रहे हैं और अभी तीन चार दिन और डबल शो चलेंगे, ड्रामा सुपर हिट जा रहा है और बहुत अच्छा ड्रामा, चोरी चोरी चुपके 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 ड्रामे का नाम शाली मार्ग शाली मार्ग पे एक ड्रामा नहीं, लाहौर में जो है वो बहुत सारे थिएटर में बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं, आपको कौन सा ड्रामा चल रहा था? अरे वाह, आपका क्या कैरेक्टर है इसमें? जी मैं इसमें अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। अच्छा, कोई परफॉर्मेंस आपकी है कि नहीं है उसमें? परफॉर्मेंस है इसमें। कितनी? अच्छा जबरदस्त, मैं थोड़ा थिएटर मैंने किया नहीं, इस वजह से आइडिया नहीं। अच्छा ताबिंदा आप ये बताओ कि जब आपने थिएटर ज्वाइन किया तो आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल से, मतलब इतना नाम अल्लाह पाक ने दिया, अल्लाह का शुक्र, बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, मतलब कि हर किसी का अजीब सा बिहेवियर देखना पड़ता है, और लेकिन ये है मेरा मानना कि अगर आप मेहनत करो तो अल्लाह पाक उसका सिला आपको जरूर देता है। ऐसा हुआ कि आपका सॉन्ग बहुत हिट जा रहा हो तो किसी आर्टिस्ट ने कोशिश की उसका गाना तो बनवाओ? अब ये तो मुझे नहीं पता कि किसी ने करवाया या नहीं करवाया, लेकिन ऐसा। अच्छा इसका मतलब है कि ये होता है, ये पॉलिसी होती है, जेलसी होती है, जेलसी होती है, आप परफॉर्म कर रही तो गाना खराब कर दिया, ड्रामा ड्रामा डायरेक्टर का डिस्टर्ब होता है। यस, लड़ाइयां की आपस में होती है, लड़कियां आपस में करवाती हैं वो साउंड वाले को पैसे देके, लेकिन एट द एंड ना बात राइटर डायरेक्टर की कि इसने कुछ करवाया, इसका कानून ने कह देना अच्छा तो तुम्हें फलानी पे कह देना, लेकिन ये बड़ी ज्यादती वाली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जरूर कहे डॉक्टर साहब, अच्छा अल्लाह ही पूछेगा तो नहीं, ये तो मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है ना शायद। अच्छा, आपके ड्रामों में भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, मैंने थिएटर की किसी ऐसी आर्टिस्ट को नहीं देखा कि जिसके आप वाले व्यूज ना हो। अच्छा। हर आर्टिस्ट ये कहती है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, क्यों मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई है, मुझे बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा, क्यों ऐसा करना पड़ा? मैं आपको मतलब अपनी बात बताती हूँ कि मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया, मतलब मेरे साथ तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक, मतलब स्टिल के मैं थिएटर नहीं भी कर रही तो जितनी भी आर्टिस्ट है मुझसे ज्यादा से इसकी मुझे आज तक समझ। बड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जब
کسی مقام پر کچھ آرٹسٹ موجود ہیں اور نیچے سے کوئی آرٹسٹ آیا اور ان کو ہلا کر ان کے درمیان اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، وہ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ پرابلم ہمیشہ وہی آرٹسٹ پیدا کرتی ہے جس میں ٹیلنٹ، جو کام کرنا جانتی ہے اس کے ساتھ ضرور پرابلم ہوتے ہیں، اگر اس کو تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، پرابلمس پیش نہ آئے تو اسٹرگل کسی کے اسٹرگل یہی ہے اور تب جا کر وہ کنتن بنتا ہے بڑی آسانی سے اگر آپ سپر اسٹار بنتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کی تو مس انڈرسٹینڈنگ اس وجہ سے ہوئی، میرے ساتھ کچھ لوگ اٹیچ تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ اندر سے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بلیک کر رہے ہیں، وہ یہ کروا رہے ہیں، مطلب مس انڈرسٹینڈنگ۔ لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ تھے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے کلیئر کرنی چاہیے، وہ جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ تھے اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اجمل بہت اچھا ہے، ملک طارق بہت اچھا ہے، فلاں پروڈیوسر بہت اچھا ہے، جو ان کی 20-30 ہزار کا ہے کہ دیہاڑی تھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے معاملات کو برقرار رکھا۔ ایسا ایک فرد نہیں ہے، ایسے ہماری فیلڈ میں کئی لوگ ہیں جو صرف ہم لوگوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں۔ مجھے اب بات پتا چلا کہ مطلب آپ میری خبر پہ ہوتے تھے، آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ آرٹسٹ میں کر رہا ہوں، نور کو آپ لازمی رکھتے ہیں، اس کی ٹکٹ دکھتی ہے، ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل ہمیشہ میری میری کوشش نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا ینگرز میں، میرے ساتھ میں سمجھتی تھی کہ وہ بھی سچ بولتے ہیں، ینگرز میں میری کوشش رہی ہے کہ آپ ان پری اور مانور بنانا وہ اکٹھے کام اکٹھا بھی آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے میں نے اصل میں نا بیچ میں ایسے پھپھی پھٹنیاں بہت ہوتی ہیں، جیلسی والے لوگ ایسے، ویسے کرنا نہیں چاہیے کہ جب آپ کسی اور سے جیلس ہوں گے، میں میرا اپنا ایک ماننا ہے میری فیلڈ میں کہ جیلسی ہر جگہ ہوتی ہے، میرا اپنا ماننا ہے کہ بجائے آپ دوسرے سے جیلس ہو اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرو، اپنے اوپر وہ ٹائم لگاؤ، خود اپنے نکھارو، اپنے آپ کو، اپنے کام کو اچھا بناؤ، میں کہتا ہوں کہ وہ ساری دنیا دیکھے گی کہ واقعی آپ کچھ ہونا چاہیے۔ لڑکیوں میں خیر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہوتی ان کی کہانی آپ کیسے ہوگی، گوسپس کیسے بنے، جیلس نہیں ہوگی تو کام اچھا کیسے، کام کیسے کریں گے، چٹپٹی خبریں کیسی بنیں گی، پھر آپ لوگ دیکھیں گے کیسے۔ ہاں جیلس ہی جب دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے تو معاملہ وہ زیادتی ہے، نہیں اس حد تک جانا نہیں چاہیے، کبھی بھی کسی بھی آرٹسٹ کو نہیں جانا چاہیے، آرٹسٹ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، جو وہ اپنے لیے فیل کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی وہی فیل کرتے۔ میری یہ خواہش ہے کہ تھیٹر کے جو اسٹار ہیں نا وہ ینگ اسٹار جو ہے، مہنور نے ایک سال سے تھیٹر چھوڑا ہوا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ اور بھی ینگ اسٹار ہیں، یہی لوگ فلم کی جانب جو ہے، فلم کی جانب، فلم کی ہم بات کرتے ہیں، عید کا موقع ہے، عید کے موقع پہ فلمیں آ رہی ہے، ریلیز ہو رہی ہے، آپ نے بات بیچ میں ہو چکی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ہاں فلمیں ریلیز ہو چکی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ فلم بنا رہے تھے اس کے بارے میں؟ جی میں ایک فلم بنا رہا ہوں، میں ٹوٹلی لاہور کی خاص کر کے ینگ اسٹار کو لینا جی، اور آفرین پری ہیں اس میں ٹائٹل رول کر رہے ہیں، صاف ایک یا جٹ بڑی اچھی آرٹسٹ آئی ہیں فلم کی، وہ ہیں اور رانی علی ہیں میرے ساتھ، بڑے اچھے اچھے کامران مجاہد ہیں، پھر شاہ صاحب ہیں، بکری شاہ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بڑی اچھی کاسٹ ہے، اچھی کاسٹ ہے، مطلب دیکھتے رہے ہیں، اچھا کام کیے کہ مطلب بڑے لوگوں کے ساتھ نیو ٹیلنٹ کو، تو ہم لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ فلم کا نام ہمارے نام نہیں لیے نا، ابھی نام نہیں لیے نا ہمارے، تو نے کہا یہ میری ان شاء اللہ میری خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ مہنور کی میرے آنے والے پروجیکٹ میں، نہیں میری خواہش ہے کہ مہنور میرے آئندہ پروجیکٹ میں جو ہے، ڈاکٹر صاحب آپ خواہشات سے باہر آ جائیں، اب آپ جو ہے نا جب تک خواہش نہیں ہوگی، اگر آپ خواہشوں سے باہر آ جائیں گے نہیں تھوڑا سا اس چیز پر عمل درآمد پریکٹیکل میں آ جائیں نا، کہ یہ کپل بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آنے والا الحمدللہ بڑا، میں مہنور کے لیے ایک اچھا سا ہیرو ہوتا ہوں، آپ کے لیے بھی اچھا سا ہیرو ہوں، میرے یہ ہیرو ڈھونڈنا ہے، آپ نے ہیرو ڈھونڈ لیا، الٹا کہہ گئے آپ، اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی ہیرمن ڈھونڈتے، میں تو چاہتا تھا آپ ہیرمن بنتی، اتنی خوبیاں نہیں ہیں میرے پاس، ہیرمن والا سامان نہیں ہے، نہیں نہیں اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ارے نہیں ہمارے پاس ہیرمن والا شریف صاحب، منور ظریف صاحب، ٹھیک ہے نا جی، ایسے ایسے ایکٹر ہیں جنہوں نے فیمیل رولس کیے، یس بالکل، بڑا مشکل کام ہے، اور بہت بڑے بڑے رول کیے ہیں، مطلب شاہد صاحب نے فیمیل رول کیا، عورتیں بنی ہیں اور انہوں نے عورتوں کو ادھر ادھر کر دیا، ایکٹر تو وہی ہوتا ہے نا، نہیں کام تو کیریکٹر کوئی بھی آپ کو ملے، الحمدللہ میں اس وقت 4-5 موویز کروں، میں آغا سنس کے صاحب کے ساتھ دو پروجیکٹ کروں، ندیم چیما کا دلی گیٹ کروں،
बहुत सारे प्रोजेक्ट में मेरा नेगेटिव मतलब रोल है, ज्यादातर मैं नेगेटिव मतलब विलन वाला करूँ, लेकिन कईयों में हीरो सही परफॉर्मेंस का मौका भी मौका मिलता है वो नेगेटिव रोल में मिलता है। और माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड हैं, मैं आपसे हंसी मजाक कर रहा था। नहीं नहीं आप करें, हम आर्टिस्ट हैं। वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि हीरो को जरा टाइम लगता है लड़की को छेड़ने में, विलन जो होता है ना वो जल्दी से अपना काम वाम करके वो उधर चला जाता है। मुझे विलन रख ले, मैं विलन बहुत अच्छा कर लेता हूं। विलन का रोल करना चाह रहे हैं कि मतलब ये लड़की को छटपट लगाकर छेड़ सके। ठीक है, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर ली और फिर उसका मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के? आप हमारी चटपटी बातें सुन के हंस रही हैं। जी, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, खुशी का मौका है, चटपटी बातें हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिल्म के हवाले से मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जैसे कराची से हम लोगों की जो मूवीज बन रही है, बिल्कुल ऐसी मूवीज बननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बननी चाहिए ताकि फैमिलीज आ सके देखने के लिए। क्योंकि आजकल हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री में ऐसी मूवीज बहुत कम बन रही है, लेकिन फैमिलीज आके देखें, जब बनना स्टार्ट हुई है तो मेरा ख्याल है कि ऐसी मूवी बनती रहेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान मतलब आप माशाल्लाह फिल्म कर रही है तो आप यही देख रही है अपने आप को आने वाले ज़ाहिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को रेडी करना पड़ता है। बाहर बातें बड़ी अच्छी अच्छी मजे की चल रही है और टाइम भी बड़ा। सुने हम लोग डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रही है और का भी शुक्रिया अदा कर रही है, पैगाम देते हैं ये तमाम देते हैं। क्यों नहीं, जरूर इन लोगों ने इतना मतलब कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए आए और इसलिए आप लोगों के लिए आए यहाँ पर। और डॉक्टर साहब के साथ स्पेशली मेरी फर्स्ट मुलाकात है दोनों के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब मैंने थिएटर किया नहीं, मुझे बड़ा शौक है थिएटर करने का, लेकिन जो दूसरा थिएटर होता है आर्ट थिएटर मतलब वो मैं भी कर रहा हूँ उस्मान के साथ साथ कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है थिएटर के लोगों से बात करना। आपके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, बहरहाल खैर डॉक्टर साहब आपकी अच्छी तमन्नाएं ख्वाहिशात का इजहार ऑडियंस के साथ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, तबिंदा आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप तमाम देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात यह है कि मुस्तफा खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आज इस प्रोग्राम के तरह से एक बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे आर्टिस्ट और बहुत प्यारे और महमूद जी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं पिछले एक साल से, और आपने एक साल से थिएटर ब्रेक किया हुआ था और इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हो पा रही, क्योंकि हम अपने साथी और इतनी प्यारी आर्टिस्ट से बैठ कर इस तरह बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमें ये मौका मिला कि हम बैठे और हमारी बहुत सारी आप भी अच्छा काम निकाले ये करेंगे। चले जी, मेरी तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे हल्के से कान में कहा हुआ है। हाँ, कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो मैं ये करेंगे, मैं अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा और इंशाल्लाह मान लो से हमारी ये फायदे है कि थिएटर भी दोबारा करना चाहिए और जरूर करवाएंगे। और तमाम दोस्तों के लिए, शोबिज की दुनिया के लिए, पाकिस्तान के रहने वाले वासियों के लिए मेरा ये पैगाम है, इस मरतबा 14 अगस्त और ईद उल अज़हा की खुशियाँ वो इकट्ठी हो चुकी हैं और हम ये खुशियाँ इकट्ठे मना रहे हैं। उन खुशियों के दौरान कश्मीर में जीतने वाले को भी याद है, और वो लोग जब कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो उन लोगों को भी याद करते हैं जिनके पास में कुछ के खाने का है और एक रस्त है, और उन बच्चों को भी याद करते हैं जिनके पास में कुछ खाने का है। जी साबिंदा आप क्या देखें कितनी अच्छी बात है ये। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि कश्मीर में ये सब चीज़ हो रहा है, बड़ा तकलीफ होती है कि हमारे वहाँ बैठे हुए तो हम सबको मिलके इसमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। तो पाकिस्तान की आवाम बहुत हिम्मत वाली है और मेरे ख्याल से अच्छा होगा, जो कश्मीर वालों के भी साथ हैं और हम सब एक साथ हैं। तो मेरी तरफ से ईद और जी मुताबिंदा के साथ साथ हम लोग आपसे भी कहेंगे कि आप लोगों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद और जश्न आज़ादी मुबारक हो, और उन
जी तो ताबिंदा के साथ साथ हम लोग भी आपसे कहेंगे कि हमारी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत ईद जश्न आजादी मुबारक हो। जी तो ताबिंदा के साथ साथ हम लोग भी आपसे कहेंगे कि हमारी तरफ से भी आपको ईद जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमारा ये सिलसिला ईद जश्न आजादी का जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में किसी नई न्यू गेस्ट के साथ, नए लोगों के साथ। तो तब तक के लिए हमारे साथ कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर लेते हैं।